हाय, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं अभी कोचिंग का उद्घाटन हुआ है, उसमें तिरहुत प्रभारी एमएम के नेताजी राणा रणजीत साहब आए हुए, उद्घाटन किए और कंटिन्यू चलते हैं, बात करते हैं क्या है कोचिंग को लेकर, उनसे जानते हैं विशेष। सर नमस्कार। नमस्कार, ये आज हमारे छोटे भाई रवि सिंह जी का, हम लोग के गार्जियन स्वरूप सतेंद्र बाबू ने मिल करके मेट्रॉन केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस का शुरुआत किया है, जिसका शुभारंभ हम लोग करने आए थे। हमारी शुभकामना है और हमने इनसे एक आग्रह किया है कि चूंकि सतेंद्र बाबू इस इलाके में शिवहर में भी कोचिंग चलाते थे और रवि जी जो है बहुत प्रचलित रहे नौजवानों के बीच में, चूंकि केमिस्ट्री जो है अगर ढंग से इंटरेस्ट लीजिएगा तो बहुत आसान है, वरना बड़ा मुश्किल लगता है। हम लोगों ने भी केमिकल फार्मूला और H2SO4 और क्या क्या वो अल्कीन ग्रुप, अल्काइन ग्रुप, तरह तरह का जो है हम लोगों ने याद किया था। तो बहुत अगर इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा करके याद दिलाने वाले अगर खान सर अगर पटना में पढ़ाते होंगे तो मुझे लगता है केमिस्ट्री के खान सर के रूप में रवि जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और सत्येंद्र सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उसका मुझे लगता है कि अगल बगल उत्तर बिहार में इस तरह का कोई शिक्षक नहीं है। चूंकि मैं व्यक्तिगत इनको जानता हूँ और मैंने इनसे एक आग्रह किया है, चूंकि हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं AIMIM से, और आपकी भी पत्रकारिता जो है AIMM से जुड़ा हुआ रहता है, तो एक आग्रह हमने किया है कि कई नौजवान भाई जब विदेश जाते हैं तो अंग्रेजी में उनको दिक्कत होता है, तो हमने आग्रह किया कि सर एक बैच चलाया जाए जो शुरू में उसमें पैसा ना लिया जाए, और जो भी हमारे भाई हैं जो गल्फ वगैरह जाना चाहते हैं लेकिन अंग्रेजी से डरते हैं या बाहर कैसे जाएं, दुबई में कैसे जाएं, तो अंग्रेजी की जो है समस्या वो झेलते हैं कि नॉलेज अच्छा है लेकिन अगर अंग्रेजी नहीं जानिएगा तो प्रेजेंट नहीं कर पाइएगा अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज। तो हम लोगों ने दोनों लोगों से आग्रह किया है कि मेट्रॉन क्लासेस जो अभी शुरू हुआ, इसका शुभारंभ हुआ है, तो हम लोगों ने इनसे आग्रह किया कि एक बैच, एक हमारे जितने नौजवान खास करके जो MIM से जुड़े हुए हैं उनको अंग्रेजी का जो है एक क्लास दिया जाए, हफ्ते में एक दिन ही सही लेकिन थोड़ा उनको जरा अंग्रेजी सिखाया जाए ताकि आगे गल्फ कंट्रीज में उनको जाने में सुविधा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह हुआ। कली आज उद्घाटन है जी, और हमारे अनुज और हमारे सर्वमान्य नेता राणा रणजीत सिंह के करकमलों से हम लोगों ने सोचा था कि इसका उद्घाटन कराएं, क्योंकि जब कभी भी कोई काम आप करते हैं तो उसमें ऊर्जा का संचार बहुत जरूरी है, ऊर्जा का स्रोत खोजा जाता है, और उसी ऊर्जा के स्रोत के निमित्त हम लोगों ने निर्णय किया कि राणा रणजीत सिंह से ही हम लोग इसको उद्घाटन करवाएंगे। एक्चुअली ये जो मेट्रॉन केमिस्ट्री हब है, एक्चुअली दिस इंस्टीट्यूट इज अ सुपर्ब कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड साइंस कॉम्बिनेशन। हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे, जैसा कि अभी नेताजी ने कहा इन्होंने, कि टंग बदलने का शिक्षा, मैं मानता हूँ कि वो शिक्षा शिक्षा नहीं जिसमें शिक्षार्थी की भाषा न बदली जाए, उनका लहजा न बदला जाए। बिल्कुल, अंग्रेजी हो या हिंदी, दो प्रमुख भाषाएं हमारे क्षेत्र में बोली जाती हैं, और हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हम हमारे अधीन जो बच्चे आएंगे उनका हम टंग बदलें, उनकी भाषा बदलें, ताकि वो अपने विचारों को सही और शुद्ध रूप से व्यक्त कर सकें। ये बड़ा जरूरी है आज की शिक्षा में। बहुत सारे विद्यालय हैं और मैं तमाम विद्यालयों में, बहुत बहुत विद्यालय में मैं काम किया हूँ, तो भाषाई शिक्षा की परिधि से बाहर बहुत सारे विद्यालय आज चल रहे हैं जिनको भाषा पर कोई पकड़ नहीं है, और भाषा को जो लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट के लिए उनके पास कोई प्लानिंग भी नहीं है, और इसी नई टेक्नोलॉजी और प्लानिंग को लेकर के हम यहाँ आए हैं, और माँ शारदे की कृपा होगी तो आने वाले समय में मैं बहुत अच्छा रिजल्ट दूंगा सीतामढ़ी की धरती पर, ताकि हमारे पोटेंशियल को देख करके, हमारे काम को देख करके लोग हम तक आवे और लाभान्वित हों, यही मेरे काम। चलिए धन्यवाद सर। और हजी क्या नाम हुआ सर? रवि सिंह नाम हुआ। ये आइडिया कैसे आया सर? पहले से पढ़ा उठा रहे क्या? विगत 7 वर्षों से शिवहर में मेरा एक सेंटर चलता है OST सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में अभी इंट्री मार्केट में आया हूँ अभी जस्ट। सीतामढ़ी में अभी इससे पहले नहीं था, मतलब इससे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट है। यहाँ पे जो भी टीचर्स इंडिविजुअल क्लास ले रहे हैं, जो भी हो, नाम किसी का मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उनका बेस जो है वो बिहार बोर्ड है, बोर्ड है, और डिसिप्लिन कहीं नहीं है, कॉन्टेंट कोई नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ मकसद टीचर्स का यही है यहाँ पे बोर्ड का सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर तैयार करवाना,
बच्चों को 70%, 75%, 80% फर्स्ट डिविजन नंबर आना, गार्जियन भी उससे खुश है, बच्चा भी उससे खुश है। हम जो है विगत 11 वर्ष इस फील्ड में है, 7 वर्ष में डायरेक्टर रहा हूँ ओएसटी का। अच्छा। अभी मैं ओएसटी से यहाँ आया हूँ, सीवर में आया हूँ, और यहाँ पे जो हमारा प्रयास है ये अभी मैं केमिस्ट्री में खुद लूंगा, सर हमारे सदंदर सर इंग्लिश लेंगे और यहाँ पे 11th 12th के बच्चों को IIT और मेडिकल के लेवल का केमिस्ट्री क्लास दिया जाएगा। CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, उससे कोई फंक्शन नहीं है, मीडियम इंग्लिश होगा यहाँ पे, और जो कंटेंट होगा वो IIT और नीट लेवल का होगा, IIT और नीट लेवल का होगा। बच्चों को उस परिदृश्य में ढाला जाएगा इस जगह पे। बहुत से ऐसे बच्चे इस मार्केट में जो घर में बैठकर ऑनलाइन क्लास करते हैं, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं मार्केट, लोकल मार्केट को गाइड करने वाला नहीं है। नीट के एग्जाम में कितना क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन है, उससे कोई बात करने वाला लोकल मार्केट में नहीं। आज से 7 वर्ष पहले जब मैं सीवर में आया था तो वहाँ पे जो भी सीवर के लोकल है आप उनसे एक बार बात कीजिएगा, मेरा नाम रवि सिंह, वहाँ बोलिएगा, लोग बताएंगे आपको। तो उस मार्केट में लोग IIT नीट का मतलब नहीं समझते थे। मैं पहला बंदा था जो वहाँ पे आके मार्केट में लोगों को IIT का मतलब समझाया, नीट समझाया, NCERT बुक को लागू किया, इंग्लिश मीडियम मार्केट को डेवलप किया। वहाँ पे बहुत अच्छा तंत्र होने के बाद मुझे लगा कि नहीं, सीतामढ़ी मार्केट में जाकर वहाँ पे स्ट्रगल करके वहाँ के फील्ड को बनाने की जरूरत है। इसलिए मैं इस जगह को चॉइस की, इस जगह के पीछे भी लॉजिक है। यहाँ पे जितने भी मोहल्ला आप चारों तरफ देख रहे हो, इसके अंदर में जो पेरेंट्स उनके बच्चे CBSE स्कूल में पढ़ते हैं, और हर घर में बच्चा है, और हर घर में होम ट्यूटर पढ़ा रहे हैं, और होम ट्यूटर 7,000-8,000 पर बच्चा चार्ज लेते रहा है, और जो कि कंटेंट नहीं दे पा रहे, उनको खुद नहीं पता है वो क्या कंटेंट दे रहा है, वो बच्चा सिर्फ NCERT बुक तक को सॉल्व करने में संभव वो नहीं कर पा रहा है। आप 90% बच्चों से मिलिए, वो बच्चा क्या है उसको बोलिए NCERT पढ़कर उसको भी एक्सप्लेन कर दो, सिंगल बच्चा आपको नहीं मिलेगा जो NCERT को एक्सप्लेन कर पाएगा। तो हम इस मार्केट में NCERT को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, इंग्लिश मीडियम पे लैंग्वेज पे काम करेंगे कि बच्चा किसी बात को सुन पाए, खुद शुद्ध लिख पाए और शुद्ध बोल पाए मार्केट में, और साइंस मैथ के पूरे कंसेप्ट पे काम करेंगे इस मेट्रोन केमिस्ट्री के बैनर तले। किसकी सब्जेक्ट यहाँ पे सिर्फ होगा सर? 6 to 10 CBSE के बच्चों के लिए मैथ, साइंस, इंग्लिश, साइंस में फिजिक्स, ये तीनों, और 11th 12th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री, IIT नीट स्टैंडर्ड का, और इंग्लिश हम देंगे। इंग्लिश वो नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड और बोर्ड में रिजल्ट लाने के लिए, इंग्लिश देंगे एज ए लैंग्वेज देंगे, बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, खड़ा होकर कहीं पे जाए तो उसको। दर्शक को सर मेट्रोन का मतलब क्या होता है? सर मेट्रोन एक केमिस्ट्री में टर्म है, स्टायोकोमेट्रिक कैलकुलेशन बोलते हैं। अच्छा। उसमें जो मेट्रिक जो स्टायोकोमेट्री है, तो मेट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड मेट्रोन से बना हुआ है। मेट्रोन का मतलब होता है मेजर, मेजर। तो मेट्रोन केमिस्ट्री का मतलब मेजर केमिस्ट्री, बच्चे हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं, केमिस्ट्री को माप देंगे। क्या बात है, एक सवाल और सर, बच्चों के लिए जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो बच्चे आएंगे उनके लिए विशेष कोई पैकेज वगैरह है या कैसे है सर? अभी सर क्या है कि अभी नवंबर मिड है, दिसंबर जनवरी फरवरी में बिहार बोर्ड सारे बोर्ड का एग्जाम होता है, ढाई महीने की अवधि में अभी मैं क्रैश कोर्स दिया हूँ, 3 बैच अनाउंस किया हूँ। एक हमारा फर्स्ट बैच है संकल्प 12th बोर्ड के बच्चों के लिए, जहाँ हम ढाई महीने में केमिस्ट्री और इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस को पढ़ाएंगे और 90% रिजल्ट देंगे, 90% रिजल्ट देंगे इंग्लिश मीडियम से। और एक बैच है संघर्ष 10th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, जो बच्चे CBSE बोर्ड के है, बिहार बोर्ड का बच्चा है लेकिन मीडियम इंग्लिश होना चाहिए, उसको ढाई महीने में मैथ, साइंस, इंग्लिश तीनों का कंप्लीट सिलेबस करके दूंगा, वहाँ 90% रिजल्ट दूंगा। और एक है मेरा IIT प्री फाउंडेशन, जो लंबा कंसेप्ट है 6 to 9 के बच्चों के लिए, जिसमें मैं मैथ, साइंस, इंग्लिश इस तीनों सब्जेक्ट को पूरा सिलेबस को कवर करूंगा ढाई महीने की अवधि में। तो अभी मैं 3 कोर्स दिया हूँ, संकल्प 12th बोर्ड के लिए, संघर्ष 10th बोर्ड के लिए, और प्री फाउंडेशन IIT 6 to 9 के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम। ये आपने 3 तो आप संकल्प बता दिए, इनका पैकेज वगैरह क्या है? क्योंकि सब गार्जियन जो मेन पैकेज पे ही आकर टक जाता है, आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 12th बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका मैं इंग्लिश और केमिस्ट्री दोनों कवर करूंगा फुल सिलेबस, उसका फी है यहाँ पे 5,000 पूरे सिलेबस का। 10th के जो बच्चे हैं जो CBSE से बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनका मैं मैथ, साइंस, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट कवर करूंगा, उनका फी है 4,000 पूरे तैयारी का, होल सिलेबस का। और 6 to 9 के जो स्टूडेंट, उनका भी ढाई महीने में पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा मैथ, साइंस, इंग्लिश, उसका फी है 3,000 ढाई पूरे सिलेबस का। अभी मंथली सिस्टम नहीं है, सिलेबस का, सिलेबस का, सिलेबस सिलेबस का सर। और कुछ सर्विसेस? अब यही है, आप कल से आज ओपनिंग की है, कल से काम करेंगे, और जब काम करेंगे तो लोग खुद बे खुद जान जाएंगे क्वालिटी को प्रचार जब काम पे आता है तो खुद बे खुद प्रचारित हो जाता है। बिल्कुल सर, सर ने 3 संकल्प बताया विशेष, उसमें से जो आपको पैकेज लेना होगा वो पैकेज लेके यहाँ पे आके आप अभी तैयारी कर सकते हैं। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।